नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, एक मुलाकात में हम एक ऐसी शख्सियत से बात करते हैं जिसने समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। उसकी सोच, उसके काम, उसका नज़रिया, ये हमारा उस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम में हम उस शख्सियत से परिचय कराते हैं। आप उसे जानते हैं लेकिन इस रूप में नहीं जानते हैं। उसकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और वो संघर्ष करके यहाँ तक कैसे आए, इस पर हम उनसे बात करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जाहिर है ये लोग समाज के लिए एक आदर्श होते हैं और वो आदर्श आप भी बन सकते हैं। इसलिए इन्हें गौर से सुनिए और समझिए ये चाहते क्या। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मीडिया के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, पत्रकारिता की, पत्रकारिता के साथ एक पत्रकारिता की ही एक ऐसी विधा में अपने आप को आगे बढ़ाया। लिखने पढ़ने वाला शख्स जब विज्ञापन की दुनिया में उतरता है, और फिर ये दौर भी इवेंट का है, आजकल इवेंट पर बहुत चर्चा होती है, इवेंट ही बहुत कुछ हो गया है आज के दौर में। जनता से सीधे जुड़ना, बेहतर ढंग से संदेश देना, इस वक्त ये विधा हिट है। तो ये किया था आज से बहुत बरस पहले। हाँ, हम बात कर रहे हैं राम प्रकाश मिश्रा, आरपी मिश्रा की, जिन्होंने इलाहाबाद को अपना सेंटर बनाया और फिर पूरे देश में उन्होंने अलग अलग चैनलों को, अलग अलग संस्थाओं को ऐसी सेवा दी। अब ये कई बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या सरकार और क्या विपक्ष सबको सलाह देते हैं, और जब सलाह देते हैं तो उनका अंदाज जाहिर है कि विपक्ष की बात करेंगे तो उनको उस अंदाज से सलाह देंगे, सरकार को करेंगे तो सरकार के अंदाज। तो हम परिचय कराते हैं। आरपी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपको आरपी मिश्रा कहलाना पसंद है कि राम प्रकाश मिश्रा? जी, मेरा नाम तो राम प्रकाश मिश्रा ही है, लेकिन शॉर्ट में चूंकि हर जगह लोगों ने जिस प्रकार से मुलाकात की, सबसे मिलते रहे, तो एक शॉर्ट नेम आरपी मिश्रा के रूप में लोगों ने मुझे दिया। लेकिन मुझे पसंद आता है जब मुझे कोई राम प्रकाश मिश्रा पूरा बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल, एक ऐसा संघर्ष किया आपने, 6 माह, बहुत छोटी उम्र होती है, आपको तो अपने पिता याद भी नहीं होंगे, सिर्फ दूसरों से सुना है, कुछ तस्वीरें देखी होंगी आप जी, एक दुखद घटना, और उस घटना के बाद आपने अपने पिता को खो दिया जी। उसके बाद इतना लंबा सफ़र, सेल्फ मेड कहा जा सकता है, कैसे पहुँचे यहाँ तक, क्या क्या थे वो परिस्थितियाँ और अब क्या कर रहे हैं? एक्चुअली 1972 मेरे पिताजी का जो गांव है वो त्योथर तहसील रीवा ज़िले में, एक गांव मझगवा राघोपुरवा है, तो उस गांव से वो शुरुआत की उन्होंने। और उसके बाद 1972 में जब वहां से वो निकले, हमारे बाबा राजाराम मिश्रा बड़े एक ज़मींदार थे, उस गांव के ज़मींदार थे, और जब 1972 में वो वहां से निकले तो वहाँ से कुछ ही दूर पर बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश का जिला एक हमारा नारीबारी छापर कोंदी गांव है, तो वहाँ पर आगे इरीगेशन डिपार्टमेंट का कुछ वहाँ काम चल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत कर ली और करीब 6-7 साल उन्होंने काम किया वहाँ पर। उसके बाद 1980 में, जिस साल मेरा जन्म हुआ उसी साल में, करीब 6 महीने का मैं था, तो एक दुर्घटना का शिकार हो गए और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई वहाँ पर। और 6 महीने के समय काल में ही सारा कुछ, परेशानी, खुशी, तकलीफ मेरे परिवार के ऊपर आ गई कि मैं अपनी 7 बहनों के बाद मैं इकलौता लड़का हुआ काफ़ी दिनों बाद, तो उनको ये लगा कि नहीं, यहाँ पर इस तरीके की खुशी का माहौल है, लेकिन 6 महीने में वो सारी खुशियाँ माता में तब्दील हो गई। और वहाँ पर स्थिति ये थी कि माता जी मेरी, चूंकि उनके लायक वहाँ कोई जॉब नहीं था, तो वहाँ परिस्थितियाँ ये आ गई कि इनको यहाँ से इलाहाबाद आप ट्रांसफ़र करें,
और वहाँ पर ये काम करे। तो वहाँ से मैं राघोपुरवा से अपने यहाँ आया और यहाँ से फिर मैं इलाहाबाद का सफ़र मेरा तय हुआ। और वहाँ आने के बाद मेरी माता जी को जॉब मिली और 20 सालों के लिए जॉब मिली उनको, 2001 में रिटायर हो गई। तो ये तो हमारा जो पैतृक गांव से लेकर के इलाहाबाद तक का सफ़र हमारा रहा, इस प्रकार हमारा पूरा हुआ। बड़ा संघर्ष रहा होगा, माने बहुत संघर्ष किया, आपको पढ़ाया लिखाया, बड़ी बहनें थीं, जिम्मेदारियाँ बहुत थीं जी। और उन जिम्मेदारियों के बीच कैसे कब कैसे लगा कि कैसे इतना कुछ कर पाएंगे, कभी निराशा हुई या लगा कि नहीं कुछ करके दिखाना है? देखिए, शुरुआती तकलीफें इतनी ज़्यादा थीं कि जो तकलीफें हुई तो उन्होंने इतनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर दिया और ये मन में लगा कि कुछ ना कुछ तकलीफ आती गई हमारे सामने। जब फादर का देहांत हो गया उसके बाद इलाहाबाद गए तो इलाहाबाद की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि पहली बार हमारे लिए शहर था, हमारे परिवार के लिए वो शहर था और तमाम परिस्थितियाँ परेशानियाँ। 7 बहनें थीं और 7 बहनों में 3 की शादियाँ हुई थी, बाकी सबकी शादियाँ माता जी को करना था और परिस्थिति इस प्रकार की थी नहीं वहाँ। तो दो, मतलब आपका जब जन्म हुआ तो 3 बहनों की शादी हो चुकी थी, 3 बहनों की शादी हो चुकी थी और 4 बहनें जो थीं और एक मैं, तो इनको इनको पढ़ाना लिखाना और इनकी शादी करना ये मेरी माँ के ऊपर काफ़ी बड़ा एक समस्या थी, जिम्मेदारी थी। तो उसको उन्होंने करते करते उनको इतनी तकलीफें आ गई कि उसी दौरान वो हार्ट की बीमारी उनको पकड़ ली, शुगर डायबिटीज़ हो गया और उनको काफ़ी परेशानी आई। तो वहीं सारी तकलीफ़ों की वजह से इतनी गरीबी, दुख और परेशानियाँ झेली हैं कि इच्छा शक्ति मन में जागृत हो गई कि कुछ करना है और कुछ करके यहाँ अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और जो भी सीखेंगे उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से उसको प्रसारित करेंगे, उसको इस तरीके से दिखाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम उसको पहुँचाएँ और मोटिवेशन किसी न किसी के लिए बने ताकि लोग और भी देखें। तो ये परिस्थितियों से भागें नहीं, परिस्थितियों से लड़ें और ये सोचें कि हमको भागना नहीं, हमको लड़ना है। बिल्कुल। फिर छात्र जीवन में कैसे क्या किया, कहाँ पहुँचे, ये मार्केटिंग की तरफ कैसे ध्यान आया? मेरी जो स्कूलिंग है वो इलाहाबाद से ही हुई है। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा संचालित विद्या भारती के स्कूलों से पढ़ा हूँ और इंटरमीडिएट तक मैंने इन्हीं के स्कूलों से अपनी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया 2003 में। बीच में मेरी पढ़ाई भी मुझे रोकनी पड़ गई क्योंकि किसी कारणवश कुछ परेशानियां आई थी जिसकी वजह से पढ़ाई भी रोकी मैंने। फिर 2001 के दौरान मुझे मीडिया की तरफ मेरा रुख किया और मीडिया में हमारे एक बहुत, आज हमारे इलाहाबाद के वो प्रेस रिपोर्टर्स क्लब के अध्यक्ष हैं और बहुत बड़ा नाम है इलाहाबाद में, बहुत सम्मानित नाम है, उनके साथ मैंने शुरू किया। तो मैं, आप नाम ले सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में किसी के नाम लेने पर कोई बहुत किसी की आलोचना करने में सावधानी बरत सकते हैं लेकिन किसी की तारीफ करने में का नाम लेने में कोई वो काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे इलाहाबाद के, अशोक चतुर्वेदी जी हैं, वो इलाहाबाद न्यूज रिपोर्टर्स प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और मुझे अपने एक पुत्र की तरह मानते हैं और सम्मान मैं उनका बहुत करता हूँ, आदरणीय है मेरे लिए। मैंने उनके साथ अपनी काम की शुरुआत की, तब वो स्वतंत्र भारत न्यूज़पेपर के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। वहाँ पर मैं कुछ समय तक मैं काम करता रहा लेकिन मार्केटिंग की तरफ कुछ ऐसा रुझान मेरा उनको दिखाई दिया क्योंकि मैं अपने छात्र जीवन में ही काफ़ी एक्टिव था इलाहाबाद के अंदर और हर जगह जाना, लोगों की मदद करना, जो परेशान है उनकी हेल्प करना, इसके चक्कर में काफ़ी कोचिंग्स वगैरह में जाके लोगों को बताना कि आप इनका एडमिशन कर लें, इनको पढ़ा लें, इनकी फ़ीस कम कर दें, या टीचरों के पास जाना, उनकी समस्याओं को सुनना। तो मैंने कार्यकारिणी का चुनाव भी अपने कॉलेज से लड़ा था, तो इस प्रकार का कुछ रहा। तो उन्होंने कुछ इस तरीके की सलाह दी कि आप चाहें तो इसका विज्ञापन के तरीके से आप काम करके एक बार देखें। तो मैंने उसका एक बार ट्रायल किया और काफ़ी मात्रा में उनको लगा कि मैं इसमें, मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरे रिपोर्टर जो है वो मार्केटिंग जी की तरफ बढ़ गया, मार्केटिंग मैनेजर जी, मेरी एक शुरुआत वहाँ से हो गई। फिर क्या किया आपने आगे, क्या किस किस तरह से आपने इस स्किल को बढ़ाया, इसमें कुछ नए इनोवेशन भी किए हैं आपने, जो इनोवेशन बहुत किए हैं आपने? जी, मैंने इसमें 2003 तक तो मैंने काम किया इसके प्रिंट मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद 2003 में अचानक से टीवी इंडस्ट्री के अंदर मुझे मौका मिल गया। हमारे यहाँ बहुत ही एक रिनोन्ड चैनल हुआ करता था जहाँ पर हमने मार्केटिंग की शुरुआत की और 2003 या 4 में कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी परेशानियाँ आई कि जिलाधिकारी महोदय को कई चैनलों को बंद करना पड़ गया
उस परिस्थितियों में हमने बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई मोड में कर दिया, हमने सिनेमा और तमाम ऑप्शंस हमने अपने अंदर शुरू कर दिए और न्यूज़पेपर के साथ, जिसमें 2006 आते आते हमने अपने जो नेशनल न्यूज़ चैनल थे IBN 7 पे पहली ऐड हमने रिलीज़ की। उस टाइम पे हमारा जो नेटवर्क 18 का न्यूज़ चैनल IBN 7 के नाम से चलता था, पहली ऐड हमने रिलीज़ करी। 2007-08 आते आते हमने TV Today नेटवर्क में सबसे ज़्यादा बिजनेस हमने उत्तर प्रदेश से किया। 2009-10 में ABP News और बाकी स्टार प्लस जैसे चैनलों पर हमारे विज्ञापन शुरू हो गए। 2010-11 के मध्य हमारे पास जी न्यूज़ के एक्सक्लूसिव राइट सेल्स डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के कंपनी की तरफ से हमको ऑफर किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद 2014 आते आते मुझे डिजिटल मीडिया की तरफ काफ़ी रुख किया और एक्सक्लूसिव हमारी एजेंसी ऐसी थी जो दिल्ली के बाद गूगल इंडिया के साथ और याहू इंडिया के साथ सबसे बड़े लार्ज स्केल पे सबसे बड़े पैमाने पे बिजनेस करने वाली एकमात्र एजेंसी हो गई, जो उत्तर भारत के अंदर पहली बार जाना जाने लगा कि इस प्रकार की कोई एजेंसी और इस प्रकार की कोई कंपनी है जो इतने बड़े स्केल पे इतने बड़े पैमाने पे काम करती है। ये जो ये सारी चीज़ें आपने की, उसमें आपका आगाज नाम से आपने एक प्रोग्राम भी शुरू किया। जी, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि 2014 दिसंबर तक CNBC आवाज़, जो देश का बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, उन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस करने वाले लोगों को सर्च किया उत्तर प्रदेश के अंदर और एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव लखनऊ में किया था। तो उन्होंने डिजिटल मीडिया के ऊपर में मुझसे उन्होंने एक हमारा इंटरव्यू भी लिया डिजिटल मीडिया के ऊपर, और उन्होंने कॉन्क्लेव के अंदर माननीय राज्यपाल महोदय हैं उत्तर प्रदेश महामहिम श्री राम नाईक जी की तरफ से मुझे सम्मानित किया। उन्होंने 2014 दिसंबर में किया। इसी दौरान 2015 में मुझे जिलाधिकारी इलाहाबाद के द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड की तरफ से अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया और हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड की तरफ से मुझे एजेंसी ऑफ द ईयर की तरफ से सम्मानित किया गया। तो ये तीन महत्वपूर्ण सम्मान रहे। और 2015 आते आते बॉलीवुड की तरफ से मुझे धर्मा प्रोडक्शन और बालाजी मोशन पिक्चर्स की तरफ से दो फिल्मों का ऑफर हुआ, जिसमें हमने इन फिल्म और आउट ऑफ फिल्म इंटीग्रेशन किए, जो काफ़ी उनको हमने सपोर्ट किया, अपनी तरफ से सपोर्ट किया, मूवी को प्रमोट करने में हमने सपोर्ट किया, पूरे उत्तर प्रदेश में सपोर्ट किया। तो इस तरीके का अचीवमेंट हमारा इन क्षेत्रों में रहा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आरपी मिश्रा से, उनसे समझेंगे कि लोग इस तरह के अचीवमेंट के बाद और ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ते हैं, अपने शहर से अपने क्षेत्र से और दूर जाते हैं, लेकिन वो अपने उस पैतृक तेहोथर में क्यों लौट रहे हैं, वहाँ वो क्या करना चाहते हैं, वहाँ आजकल उनकी बड़ी चर्चा है, वहाँ वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राम प्रकाश मिश्रा से, एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे यूथ जिन्होंने बहुत संघर्ष के साथ अपने आप को स्वयं अपनी क्षमताओं के आधार पर सिद्ध किया और आज बहुतों के लिए मार्गदर्शक का भी वो काम कर रहे हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मीडिया की एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ उन्हें कई तरह के अचीवर अवार्ड मिले हैं। राज्यपाल ने भी उन्हें सम्मान। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि वो इतनी चकाचौंध भरी दुनिया से, जहां वो फिल्मों का भी प्रचार प्रसार करते हैं, सीरियलों का भी प्रचार प्रसार करते हैं, टीवी के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ जुड़े होने के बाद भी, वो एक ऐसी तहसील जो पिछड़ी सी है जिसका नाम भी बहुत ठीक से नहीं लिया जाता, मध्य प्रदेश में तो है लेकिन उत्तर प्रदेश से सटे होने की वजह से ना वो मध्य प्रदेश की ठीक से रह गई, उत्तर प्रदेश उसे अपना ही नहीं सकता, तो ऐसी जगह पर वो क्यों लौटना चाहते हैं, बड़ा दुर्गम है जहाँ पर अभी भी जाना मुश्किल होता है, साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, फिर भी वो वहाँ क्यों जा रहे हैं। देखिए, मेरा मैंने शुरुआत तो किया वहाँ इलाहाबाद से काम किया, लेकिन मेरा पैतृक गांव तेवथर है और तेवथर से हमारा काफ़ी पुराना लगाव रहा है। पिताजी की हमारी धरती है, पूर्वजों की हमारी धरती है और मैंने वहाँ पर कई चीज़ें देखी झेली भी। हमारे मामा जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी और उनका एक बार ब्रेन हेमरेज हो गया था।
वो वहीं तेवथर तहसील में जवा के पास एक गांव है, वहीं रहते हैं। तो वहाँ पर ब्रेन हेमरेज हुआ, तो उनको उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की कि मुझे इलाहाबाद ले चले मेरे भांजे के पास, और रास्ते में आते आते उनकी डेथ हो गई। हम उनको बचा नहीं पाए, और वो डेथ इस वजह से हो गई क्योंकि वहाँ से इतना दूरी थी, डिस्टेंस था, वहाँ कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं थी, कोई सुविधा ऐसी नहीं थी कि तुरंत उनका फौरन इलाज कराया जा सके। उसके बाद ये एक नहीं, इसी प्रकार की कई सी घटनाएं हुई जो मन में ये लगा कि ये किस प्रकार का क्षेत्र है कि जहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं मुहैया नहीं है। लोग पूरी जीप से भर के आते हैं इलाहाबाद, या तो रीवा जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह है कि जहाँ से रीवा और इलाहाबाद का डिस्टेंस सेम है, दोनों दूरियाँ समान हैं। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, किसी प्रकार की कोई चीज़ हो जाए, तो एक तो समस्या ये आती है, हमारे यहाँ के जो यूथ हैं वो बाहर गए कमाने के लिए, और वो कोई क्वालिटी एजुकेशन लेके नहीं गए, ऐसे ही निकल गए, बाहर जाते हैं, ऐसे ही कमाते हैं, किसी प्रकार का कुछ छोटी मोटी नौकरी करते हैं, और जिसमें पूरे रहने के संसाधन भी उनको नहीं उपलब्ध हो पाते, ना उनके पास किसी प्रकार का इतना बड़ा इनकम हो पाती है कि जहाँ से अपना काम कर लें। वापिस वहाँ से कोई आता नहीं, गया इस्टैब्लिश हो गया, तो वो दिल्ली में इस्टैब्लिश है तो दिल्ली में रहना चाहते हैं, जो मुंबई में इस्टैब्लिश हो गए वहीं रहना चाहते हैं। मेरी इच्छा ये हुई कि मैं अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ तो अपने यहाँ वापस जाके उस पर एक्सप्लोर कर लूँ, क्या चीज़ें हम अपने विजन से वहाँ पैदा कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, और यूथ को कहाँ लगा सकते हैं। क्योंकि एक बिज़नेस हमारे यहाँ दो स्कोप है, एक तो फार्मा कृषि, कृषि पर, और दूसरा यूथ, इन दोनों चीज़ों को कैसे हम जोड़ सकते हैं और किस तरीके से नई चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे यूथ और कृषि दोनों मिल जाए और वहाँ पर ही रिसोर्सेज अपने आप पैदा हो जाए, और सरकारी नीतियाँ और जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनके किस प्रकार से लाभ लें, और जो हमारी डिमांड है उनको सरकार के सामने कैसे हम रखें, इस पर हम चाहते हैं काम करना, और जो समाज को जोड़े, समाज की चीज़ों को उस तरीके से जोड़ के करें कि सबका डेवलपमेंट वहाँ पर हम कर सकें। तो उन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, और हर गाँव अक्सर इसी वजह से जाते हैं कि वहाँ पर उनकी जो समस्याएँ हैं, हमारे यहाँ कृषि को लेकर के ज़्यादा स्कोप है, और जहाँ ज़्यादा स्कोप होता है वहीं ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो मेरा प्रयास है कि वो स्कोप को एक्सप्लोर करके उसकी समस्याओं को किस तरीके से यूथ, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसको कैसे दोनों को जोड़ दें कि वो काम हमारा आसान हो जाए। क्यों क्यों लौटना चाहते हैं वहाँ, ऐसा क्या है आपको वहाँ आपको बिजनेस का बहुत स्कोप दिखता है अपने लिए? नहीं, बिजनेस अच्छा करियर देखते हैं वहाँ? नहीं, वहाँ देखिए एनर्जी है, वहाँ एनर्जी है, वो हमारा पैतृक गांव है, और वहाँ एनर्जी है, एनर्जी इतनी ऊर्जा है कि जो यूथ वहाँ से जा रहा है हमारे यहाँ से, वो देश के हर कोने में हमको देखने को मिल जाता है। हम रीवा के लोगों को दिल्ली में देखते हैं, हम मुंबई में देखते हैं, बाकी जगह देखते हैं, तो मुझे ये महसूस होता है कि इतनी एनर्जी लेके लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो उस एनर्जी का इस्तेमाल हमारे क्षेत्र में कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी सही दिशा और सही दशा तय कर दी जाए और उसमें जो मार्गदर्शन है वो दे दिया जाए, तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा जॉब भी पैदा की जा सकती है, और कृषि के क्षेत्र में इस रीवा जिले के तेवथर तहसील का नाम बहुत बड़े पैमाने पर इसको उठाया जा सकता है। तो वहाँ पर उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर जो एनर्जी है वो यहीं से निकल के बाहर जाए और यहाँ का नाम इतना हो कि लोग भी जाने कि यहाँ पोटेंशियल इतना है, तो यहाँ से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। बिल्कुल, एक अच्छी सोच है आपकी, अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं, युवाओं को मार्गदर्शन देना चाहते हैं, और समाज में सिर्फ अपने लिए सोचना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने साथ साथ औरों के लिए, अपनों के लिए सोचना सराहनीय है। उत्तर प्रदेश में आपने कई कार्यक्रम किए आगाज़, और इस तरह से उसके अलावा भी कई तरह के शो किए आपने, क्या खासियत थी उन शो को, क्या सोचा था उसके पीछे, क्या वजह थी? देखिए, वो शो जो भी हम लोग करते हैं, बड़े प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो तो बेसिकली हम लोग करते हैं कि जिसमें कोई चीज़ें ऐसी निकल के आ जाए सामने जिससे कि बहुत बड़ा एक मास लेवल पे मैसेज चला जाए, लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें निकल के आए। हमारा जो आगाज शो था वो केवल व्यापारियों के लिए था, बिजनेसमैनों के लिए था, क्योंकि हमारी, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, बड़े पैमाने पर समर्थन करता हूँ हमेशा, तो मैं चाहता हूँ कि माननीय हमारा जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने व्यापारियों को लेकर के कई तरीके के एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें बनाई थी, जिसमें हमारे यहाँ के जो हमारे इस समय वर्तमान मंत्री हैं श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया था, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हैं चेयरमैन SL ग्रुप और राज्यसभा सांसद को वहाँ पर लाकर, तो वहाँ पर जितनी भी समस्याएं व्यापारियों की थी उत्तर प्रदेश उस इलाहाबाद मंडल और आसपास के जिलों से जो व्यापारी आए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सप्लोर करने का काम किया था कि वहाँ पर जो भी समस्याएं जिसको हैं उसको एक्सप्लोर करके सरकार तक उनकी बात को रखा जाए, और उनकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, तो उस पर काम किया जाए। ये एक बहुत बड़ा और बहुत एक अच्छी चीज़ थी जिसको मुझे लगा।
तो उसको बहुत बड़े पैमाने पर सक्सेस कराना एक मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी, जो माननीय मंत्री जी ने मुझे इसका उत्तरदायित्व दिया, और मैंने पूरी तरीके से उसको बहुत ही अच्छे और बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पर इसको किया, जिसके लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी भी मैं उनको लाया, उनके साथ मैं रहा और उनको मैंने सारी चीज़ें, उन्होंने व्यापारियों की जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने उसको समझा, और वहाँ जाकर के उन्होंने व्यापारियों से रिलेटेड जो भी घोषणा पत्र बनाए गए, जो भी चीज़ें बनाई गई, तो उन्होंने उसमें कई चीज़ें ऐसी डाली व्यापारियों के हित में जो आज भी बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश के हैं आप जी, मध्य प्रदेश में भी कुछ करने का रहा है? बिल्कुल, क्या करें, सारा कुछ तो मध्य प्रदेश में ही करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बहुत कर लिया, वहाँ की आबादी जितनी है, वहाँ पर स्कोप जितना है, वहाँ लीडरशिप बहुत अच्छी है, हमारे क्षेत्र में लीडरशिप उतनी अच्छी नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग बहुत काबिल हैं वो बाहर जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो अवेयरनेस है लोगों के अंदर, जो जागरूकता है हर चीज़ों में फैलाने की, वो नहीं आती है। तो मेरा ये भी सोचना है कि जो लोग बहुत काबिल हो गए अपने क्षेत्र को कुछ दे सकते हैं वापस आकर के, उनको ज़रूर बराबर ना आए तो कभी कभी आ करके अपनी चीज़ों को वापस करना चाहिए, क्योंकि जो पूर्वजों की धरती है, जो हमारी ज़मीन है, जिसने हमको पैदा किया, जिस माटी से हम पले हैं, बड़े हैं, जन्मे हैं, तो उस पर हमारा कर्ज है और हमको उस कर्ज को चुकाना चाहिए। लीडरशिप अच्छी है या लीडरशिप कमजोर है? आप शायद हमारे क्षेत्र त्योथर के बारे, हम त्योथर की केवल बात कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश की लीडरशिप बहुत अच्छी है, और जिस प्रकार की जो हमारे जो नीतियां हैं सरकार की बहुत अच्छी हैं, और उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसको वहां पर लागू कराना और उस पर बात करना, उस पर अड़े रहना और वहां पर तमाम जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना जिससे लोगों को लाभ मिल सके, इस प्रकार की चीज़ों का हमको लगता है कि कमी है और जिसको करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में, भोपाल में और जगहों पर भी कुछ करेंगे? जी, मेरा विजन है, मैं चाहता हूँ कि जो व्यापारियों के लिए जो इस समय सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन गया है, चाहे लोग इसको कहते हो कि नोटबंदी की वजह से समस्या आ गई है या कहते हैं GST की वजह से समस्या आ गई है, तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि समझने को थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए, कहीं ना कहीं करेक्शन के दौर में जो समस्याएं आती हैं उसको समझने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है। तो मेरा प्रयास ये है आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, कि एक इस पर मैं एक बहुत बड़ा इवेंट भोपाल के अंदर करना चाहता हूँ, जिससे लोगों के अंदर ये भ्रम दूर हो और ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि उनकी समस्याएं क्या वाकई में समस्या है। अगर वो वाकई में समस्या है तो उसको निकाल करके हम इस बात को सरकार तक रखना चाहते हैं और केंद्र सरकार तक रखना चाहते हैं, इसको प्रदेश सरकार तक, तो इसके ऊपर एक बड़ा, आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो योजनाएं जो है वो देश हित में है जी, और नहीं देश हित में है। अगर कमियां हैं, देखिए अगर कमियां उसमें है तो मेरा प्रयास ये है कि उसको एक्सप्लोर कर लें, उसको देख लें क्या कमियां हैं और कमियों को हम वहां पर प्रेजेंट करें और उसके करेक्शन की अपील करें, ताकि कमी और असमंजस दोनों के बारे में बात करें। अगर असमंजस है तो वो भी स्पष्ट हो लोगों जिनको, और कमी अगर है तो वो सरकार तक पहुंचे। जी, बिल्कुल। RP मिश्रा आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे RP मिश्रा, राम प्रकाश मिश्रा कहलवाना उन्हें बहुत पसंद है लेकिन लोग उन्हें प्यार से RP मिश्रा कहते हैं, और उनकी कोशिश यही है कि वो जिस तरह से उन्हें उन क्षेत्रों ने जहां उन्होंने काम किया, जो उनके कर्म क्षेत्र हैं, जहां उन्होंने उन्हें हाथों हाथ में लिया, अब वो लौटकर अपनी कर्म भूमि पर भी, माफ़ कीजिएगा, अपनी पैतृक भूमि पर भी जाना चाहते हैं और वहां भी कुछ करना चाहते हैं, उस प्रदेश में भी वो कुछ करना चाहते हैं, और साथ ही एक ऐसा मंच देना चाहते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, एक ऐसा मंच देना चाहते हैं लोगों को जहां वो अपनी जिज्ञासा शांत कर पाएँ, उन तक नई जो योजनाएं हैं बेहतर ढंग से उन तक पहुंच पाएँ, यूथ के मन में जो सवाल हैं उनके सवालों के निराकरण हो, समाज की किसानों के मन में जो सवाल हैं उनका निराकरण हो, व्यापारियों के सवालों का निराकरण हो, और ऐसे अनेक मंचों को वो तैयार करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि समाज में बेहतर समन्वय मिले और उनके माध्यम से वो कुछ बेहतर करके दिखाएं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए।